कैंसर रोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कैंसर रोगियों के लिए अब हर हफ्ते सेक्टर 13 मार्केट में स्थित आदर्श क्लिनिक में डॉक्टर ठाकुरदास ललित चैरिटेबल ट्रस्ट व फिनिक्स क्लब कुरुक्षेत्र के सौजन्य से निःशुल्क कैंसर निदान में जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में आज 10 जनवरी दिन बुधवार को पहला निःशुल्क कैंप सेक्टर 13 मार्केट में स्थित आदर्श क्लिनिक में आरम्भ हो चुका है। कैंप शुरू होने से पूर्व इस कैंप में भाग लेने पहुंचे मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली से कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज अरोड़ा, डॉक्टर सुनंदन शर्मा, डॉक्टर गौतम गोयल व डॉक्टर कनिका शर्मा का कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा, नगर परिषद के निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा, ठाकुरदास ललित चैरिटेबल ट्रस्ट एवं आदर्श क्लिनिक के संचालक डॉक्टर डीके ललित, आईएमए के पदाधिकारियों डॉक्टर एसी नागपाल, डॉक्टर गांधी, डॉक्टर भोला, डॉक्टर झाम व अन्य सदस्यों के साथ साथ फिनिक्स क्लब के प्रधान धीरज गुलाटी, सचिव दीपक चिब, कोषाध्यक्ष डॉक्टर नीरज झाम व अन्य सभी सदस्यों ने उनका स्वागत किया। विधायक सुभाष सुधा ने सभी डॉक्टरों और उक्त दोनों संस्थाओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में ये एक नेक मुहिम है। आपको बता दें कि ये कैंप कैंसर रोगियों की जांच और मार्गदर्शन हेतु सुबह 11 बजे से आरंभ हो चुका है, जो लगभग 4 बजे तक चलेगा। ऐसे में हमारा एक विनम्र निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग कैंसर पेशेंट हैं उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि आज इस कैंप को लेकर दशकों से कुरुक्षेत्र के विख्यात चिकित्सक एवं आदर्श क्लिनिक के संचालक डॉक्टर डीके ललित, फिनिक्स क्लब के प्रधान धीरज गुलाटी और समाज सेवी सुरेंद्र ढिंगरा ने बताया कि इन कैंपों में हर तरह के कैंसर के मरीज बीमारी का निदान में परामर्श ले सकते हैं। आज से आरंभ हुए इस कैंप में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली से कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज अरोड़ा, डॉक्टर सुनंदन शर्मा, डॉक्टर गौतम गोयल व डॉक्टर कनिका शर्मा कैंसर रोगियों की जांच कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। भविष्य में भी कैंसर रोगियों के लिए कैंप हर हफ्ते लगा करेंगे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर कनिका शर्मा से विशेष रूप से महिलाओं के स्तन कैंसर व हर प्रकार के कैंसर का निदान परामर्श लिया जा सकता है। डॉक्टर कनिका ने आज महिलाओं को कैंसर को लेकर उन्हें जागरूक भी किया। इस कैंप का स्थान आदर्श क्लिनिक SCO 49 सेक्टर 13 मार्केट कुरुक्षेत्र है। यह कैंप प्रातः 11 बजे से आरंभ हो चुका है, जो मरीजों की सुविधा अनुसार जारी रहेगा। डॉक्टर ठाकुरदास ललित चैरिटेबल ट्रस्ट एवं फिनिक्स क्लब के सौजन्य से किया जा रहा है। तालियों के साथ स्वागत करें। सारे मेंबर्स आ जाओ प्लीज। सारे मेंबर्स आ गए।
आदर्श क्लिनिक द्वारा जो कैंप लगाया गया कैंसर पेशेंट के लिए, क्या कहना चाहिए? देखिए सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर बी के ललित जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका बहुत बड़ा एक विजन कि जिनके द्वारा लास्ट ईयर भी नेक्स्ट ईयर डॉक्टरों द्वारा यहाँ पर एक फ्री कैंसर का जो है कैंप लगाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। आज कैंसर से पीड़ित बहुत लोग हैं और उनको फ्री अगर उनको थोड़ा सा टेस्ट के लिए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए डॉक्टर साहब के साथ में फ्रिश क्लब जो इनके साथ में बहुत साल के लिए फ्रिश क्लब पूरा जो साथ इनका सहयोग दे रही है उनका भी धन्यवाद करता हूँ और फ्रिश क्लब के सभी मेंबर्स का भी धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत सोच है कि सभी क्लब मिलकर अगर डॉक्टर साहब के साथ मिलकर ऐसे विजन ऐसे कार्य करें तो बहुत अच्छी समाज को एक सेवा मिलती है जहाँ सरकार अपना काम करती है और वहाँ पर अगर संस्थाएं आकर आगे बढ़कर कार्य करती हैं बहुत बड़ी देन है। इसके लिए मैं तहे दिल से क्षेत्र के विधायक के नाते डॉक्टर बी के ललित का, पुलिस क्लब के हमारे गुलाटी जी का और साथ में इलाभाती जी का और नेक्स्ट के आए सभी डॉक्टरों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इतनी बड़ी सर्दी में आज लोगों को यहाँ पर टेस्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू। उसी टाइम लेफ्ट के लिए वजह से सिर्फ स्टेट कैंसर डाटा वेब पर थोड़ा सा ऊपर देखो एक बार या नहीं पीछे आ जाइए इधर याद रखो या कहीं कैंसर ऑनकोलॉजी के बाद में आके डॉक्टर साहब ने कहा वो वहीं कर वो तो नहीं वो नंबर हुआ कोई बात नहीं। सो 5-10% जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हेरिडिटरी होते हैं, बाकियों में यूजुअली उसी के द्वारा बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर 5-10 मिनट का सिंपल सा टॉक है। सो जब हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं विद टाइम उसका इंसिडेंस भी बढ़ गया है एंड हमारी जांचें भी उतनी हो गई हैं कि वो जल्दी उसको पकड़ पा रहे हैं। तो अगर हम आज अगर रिस्क देखें तो किसी ना किसी के घर में किसी के जानने वालों को कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित है, पर अभी भी उसके अगेंस्ट इतने मिसकंसेप्शंस हैं, इतने डाउट्स हैं। बहुत से पेशेंट हमारे पास तीसरे चौथे स्टेज में आते हैं इस वजह से कि गांठ में कोई दर्द नहीं हो रहा था तो हमने चेक नहीं कराया। कैंसर की गांठ कभी भी दर्द नहीं करती है, वो पेनलेस होती है। इवन जब बढ़ भी जाए, चौथी स्टेज में भी आ जाए, तब भी वो पेनलेस रहती है। दूसरा मिथ है कि कैंसर को अगर हम सुई मारेंगे उस गांठ को तो वो फैल जाएगी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर की हम जाँच ही तब कर सकते हैं जब उसको सुई मार के माइक्रोस्कोप के अंदर कैंसर सेल्स दिखते हैं। बिना अगर कोई बोल रहा है कि मैं बिना सुई की जांच या बायोप्सी के कैंसर का इलाज कर दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है, उसके अलावा कहीं नहीं है। क्योंकि कैंसर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर ही बोले तो वो भी 3-4 अलग टाइप के हैं कि उसमें से कौन सा हार्मोन स्टेटस है, कौन सा हर2 स्टेटस है, तो उसके ऊपर वो टेस्ट किए जाते हैं। कैंसर बेसिकली कुछ नहीं है, हमारी बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद एक टाइम के बाद आके उनकी डेथ हो जाती है। हमारे बाल हैं नॉर्मल एज के साथ वो हेयर फॉल होती है, नेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, सो हर चीज़ बॉडी में ग्रो कर रही है। कैंसर में क्या होता है कि हमारी बॉडी में किसी चीज़ में म्यूटेशन आ जाता है, कुछ चेंज आता है जिसकी वजह से वो ग्रोथ रुक नहीं पाती और वो लगातार ग्रो करते रहते हैं। बहुत सी पेशेंट 30-40 साल के बीच में एज में देखा होगा कि ब्रेस्ट में लंप है, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से फाइब्रोएडेनोमा हो जाता है, वो कैंसरस नहीं है। सो उसका इवन अगर हम ऑपरेशन भी ना कराएं तो ऐसा नहीं है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर कोई भी लंप है उसका टेस्ट ज़रूर कराएं, उसकी जांच ज़रूर कराएं देखने के लिए कि क्या दिक्कत आ रही है उसके अंदर। सो कैंसर अगर हम बात करें उसकी 4 स्टेजेस रहती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। और जैसे मैम ने अभी हमें बताया कि स्टेज 0 होती है, दैट इज़ प्री कैंसरस, कि अब वो फुल ब्लून कैंसर में कन्वर्ट नहीं हुआ है बट वो शुरू हुआ है।
सो उस टाइम पे अगर हम सर्जरी कर दें तो हो सकता है आगे कीमो और कोई और ट्रीटमेंट की भी जरूरत ना पड़े. सो पहली स्टेज में कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट में है, छोटी साइज का है. दूसरी स्टेज में कैंसर ब्रेस्ट में है लेकिन उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है. तीसरी स्टेज में वो कैंसर यहाँ से आके बगल में चला गया है, बगल में भी गांठ आ रही है. और चौथी स्टेज में वो शरीर में कहीं पे भी फैल सकता है, ब्रेन में, लिवर में, बोन्स में, लंग्स में, कहीं पर भी. तो वो ध्यान रखना है. अभी भी अगर हम बोलें तो ब्रेस्ट कैंसर में 10 साल तक भी सर्वाइवल 90% से ऊपर है. लेकिन आज ही न्यूज़पेपर में आया है कि जब हमने इंडिया का डेटा कलेक्ट किया है तो उसमें अभी भी 60% लोग जो हैं वो तीसरी और चौथी स्टेज में आ रहे हैं. वो उसी वजह से कि कैंसर के बारे में बात नहीं करनी, बाकी लोग क्या कहेंगे, हमें डायग्नोसिस नहीं बतानी है या हमें इलाज नहीं कराना, या कोई दर्द नहीं हो रहा, छोटी सी तो गांठ है, छोड़ देते हैं. वो छोटी सी गांठ उस टाइम पे जड़ से ठीक हो जाएगी, जैसे जैसे उसको इग्नोर करेंगे वो बढ़ने लगेगी. सो प्रिवेंशन करने का, जो वो स्टेज जीरो है उस पर डिटेक्ट करने का मेन तीन चीज़ें हैं. पहली चीज़ है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि सबसे ईजी तरीका है. पाम ऑफ दी हैंड से यहाँ से ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है नहाते वक्त, महीने में एक बार. रैंडमली नहीं करना है, यूजुअली जब पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं उसके नेक्स्ट डे करना है, क्योंकि हमारी ब्रेस्ट में भी महीने में भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से अपने आप चेंजेस आते हैं. तो अगर हम अभी टेस्ट करेंगे एक बार पीरियड ख़त्म होने के बाद, या जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं वो महीने की पहली तारीख की याद रहे, उस पे करना है. सो हाथ दोनों ऊपर करके शीशे के सामने कि दोनों ब्रेस्ट इक्वल हैं, हाथ साइड में रख के कि कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं. इससे पूरी ब्रेस्ट में एग्जामिन करना है, बगल में एग्जामिन करना है कि कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही. तो ये सारी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई गांठ महसूस हो रही है तो उसकी टेस्ट ज़रूर कराएं, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो डॉक्टर चेक करते हैं. सो वो चेक करके बताते हैं कि वो कैंसर जो गांठ है वो कैंसर की है या हार्मोनल चेंजेस की वजह से फाइब्रोएडिनोमा तो नहीं है. एंड तीसरी चीज़ है मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड. तो 40 साल की जो यंग महिलाएं हैं उनमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं. 40 के ऊपर 1 से 2 साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर कराएं. मैमोग्राफी कुछ नहीं है, ब्रेस्ट का एक्सरे है एक टाइप का, जो 2 साल में एक बार कराना चाहिए. तो उसमें अगर कोई स्टार्टिंग के कोई चेंजेस भी हैं इवन मिलीमीटर में, वो भी डिटेक्ट हो सकते हैं, तो वो ज़रूर कराना है. अगर हम कैंसर के इलाज की बात करें तो 3 ही मेन इलाज हैं, सर्जरी, रेडिएशन एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी या कीमोथेरेपी जो हम देते हैं. सो वो 3 हैं जो आप करा सकते हैं. कीमोथेरेपी के अंदर फिर अलग अलग टाइप आ जाती है. आजकल इम्यूनोथेरेपी आ गई है, हार्मोन थेरेपी आ गई है, इंजेक्शंस आ गए हैं. तो वो जो मैं पहले बता रही थी कि कौन से कैंसर का टाइप की गोली चल रही है, उनको 1 साल तक इंजेक्शन चले थे या हमें गोली नहीं लिखी, वो क्योंकि सबका अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं तो वो देखना ज़रूरी है कि आपका कैंसर किस टाइप का है. अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो ये 3 चीज़ें, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी. दूसरा वेट, जितना वेट आपका इंक्रीज करेगा उतने आपकी हार्मोनल इरेगुलरिटीज बढ़ेंगे. अगर हम आज देखें तो बच्चों में PCOS और PCOD स्टार्ट हो गया है. अगर हम उसका भी ट्रीटमेंट करें तो ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, एक्सरसाइज करके वेट कंट्रोल करना है, आपका हार्मोन अपने आप होगा. आजकल बहुत हो गया है कि एकदम क्रैश डाइटिंग या क्रैश कोर्स, बड़ा है खाना पीना छोड़ के वेट कम हो जाएगा, इवन वो भी आपके हॉर्मोन्स को काफ़ी इफेक्ट करता है. तो कोशिश करिए कि नियंत्रण वेट बनाए रखें, रोज़ एटलीस्ट आधा घंटा या 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करें कि जिससे वो वेट है वो फ्लक्चुएट ना रहे. हेल्दी चीज़ें खाएं, हेल्दी में सुपर फूड्स वगैरह कुछ नहीं है, जो सीजनल उस टाइम पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रहे हैं वो खाएं, जैसे अभी हरी सब्जी आ रही हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब लें. तीसरी चीज़ जो आती है, अगेन ओबेसिटी से बचना है एंड फिजिकल एक्टिविटी करनी है. सो ये सारी चीज़ें जो है यही मेन इम्पॉर्टेंट रहती हैं. एंड ये आगे अवेयरनेस फैलाएं कि कैंसर के नाम पे इतना ना हो कि कोई किसी से डिस्कस ही ना कर पाए कि कैंसर है या नहीं है. नॉर्मल BP शुगर जैसे होता है, कैंसर को भी उतना ही बनाना है कि कोई किसी से शेयर करने में ना हो. एंड आके फिर लोग बोलते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में दूध नहीं लेना है, चीनी नहीं लेनी है कैंसर. तो ये सारे मिथ्स हैं जो हमारी सोसाइटी में इतने टाइम से हैं कि विद टाइम उनको छोड़ना है. कैंसर के ट्रीटमेंट में पेशेंट को एनर्जी की ज़रूरत है. तो हम किसी भी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते, कैंसर के पेशेंट सब कुछ खा सकते हैं. चीनी का तो रिस्ट्रिक्शन हम नॉर्मल पॉपुलेशन में भी बोलते ही हैं कि नहीं लेना है. तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है कि चीनी का सेवन कम करना है, बट बिल्कुल ही बंद कर देना वैसा कुछ भी नहीं है.
सो उस टाइम उन्हें एनर्जी की जरूरत है तो सब कुछ खाना खाना है. ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी को अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बाकी चीजों को भी जाके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करेगा. तो हमारा भी 25 ग्राम दैट मीन्स 6 चम्मच चीनी दिन का जो है उतना ही रिक्वायरमेंट है. अगर हम उससे ज्यादा ले रहे हैं तो हम डेली रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही ले रहे हैं. तो वो कैंसर पेशेंट हो या ना हो, चीनी का वो सभी